Hello students, welcome in fine art class. In our last video, I have cleared first painting of Pahari School, Krishna with Gopis. Okay, I hope aapne notes banaye honge. And today's and last painting is Nand Yashoda and Krishna with kinsmen going to Vrindavan. This is last painting of this chapter. पेंटर थे इस पेंटिंग के नैनसुख मीडियम था वाटर कलर ऑन पेपर सिरका 1785 to 1980 सब स्कूल कांगड़ा टेक्निक टेम्पर टेक्निक कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली मोस्टली जितनी भी पेंटिंग्स हैं ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में हैं टेक्निक टेम्परा है सभी पेंटिंग्स की जितनी भी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं वो टेम्परा टेक्निक में बनी ओके डिस्क्रिप्शन दिस इज योर पेंटिंग पिक्चर नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन ये सारा जो ग्रुप है कृष्ण जी का ये वृंदावन जा रहा है गोकुल को छोड़कर आप ये एक स्टोरी है कृष्ण लीला में जब यहाँ पर यमुना नदी में नाग आए थे कालिया नाग और उसकी वजह से सब लोग छोड़कर जा रहे थे गोकुल कहाँ शिफ्ट हो रहे थे ये वृंदावन तो ये तब का एक सीन है ओके Description in this painting the inhabitants of Gokul as well as Nand Yashoda and Krishna have been shown going to Vrindavan this miniature painting was painted by Nansukh during the period 1780 to 1980 इस पेंटिंग में नंद यशोदा और कृष्णा सारे ग्रुप के साथ वृंदावन जा रहे हैं और ये पेंटिंग किसने बनाई थी नैनसुख ने बनाई थी नैनसुख पेंटर ने वहाँ पर कांगड़ा सब स्कूल में बनाई थी 1785 to 1980 में ये पेंटिंग बनी थी बेस्ड ऑन द एपिसोड ऑफ भागवत पुराण एंड पेंटेड इन कांगड़ा स्टाइल जो भागवत पुराण का ये एक पूरा एपिसोड है उस पर ये पेंटेड है पेंटिंग और कांगड़ा स्टाइल में पेंटिंग बनी थी दिस पेंटिंग इज टेंडर प्लेस्ड एंड बिविचिंग इन दिस पेंटिंग 13 ह्यूमन फिगर्स हैव बीन शोन थ्री ऑफ them have been shown swimming in Yamuna rest of the figures have been shown in various countenance and wearing clothes of different colors on the other sides of the river puri painting mein dekhiye aap bache 13 figures hain 13 mein 3 jo figures hain wo aapka tair kar swimming kar kar aapki Yamuna paar kar rahi hain aur Vrindavan ja rahi hain aur baki ko jitni figures hain aapki wo by road ja rahi hain Vrindavan Gokul se सबने डिफरेंट डिफरेंट कलर के कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं सारे सब लोगों ने कृष्णा हैज़ बीन शोन इन ब्लू कलर हाफ नेक बट बियरिंग डिफरेंट ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड एंड ए लार्ज ब्रेथ ऑफ फ्लावर राउंड हिज नेक ओके देयर इज अ गोल्डन क्राउन ऑन हिज हेड ही इज सिग्नलिंग विद हैंड टूवर्ड्स द गोल्डन बिल्डिंग्स ऑफ वृंदावन पीपिंग आउट थ्रू The clouds and the inhabitants of Vrindavan, Nand and Yashoda are looking that side surprisedly. All the persons are half necked except Nand and Yashoda. कृष्ण जी सेंटर में कौन है ये कृष्ण जी हैं इनको इनके जो बॉडी कलर है वो ब्लू है हाफ नेक्ड है येलो इन्होंने धोती पहनी भी है बट गोल्डन क्राउन और ज्वेलरी इन्होंने पहनी हुई है बहुत लंबी फूलों की माला इनके पड़ी है कृष्ण जी को और ये दिखा रहे हैं अपने फिंगर से वृंदावन की बिल्डिंग्स जो गोल्डन कलर की हैं और नंद यशोदा जी उनको सरप्राइजली देख रहे हैं उन बिल्डिंग्स को ओके अनदर क्राउडेड पर्सन हु हैज़ पुट ऑन ब्लू कलर्ड कॉस्ट्यूम इज पॉसिबली बलराम ही इज राइजिंग वन ऑफ हिज हैंड्स अप सिग्नलिंग टूवर्ड्स वृंदावन देखिए जो दूसरे ब्लू कलर में ये जो हैं ये मे बी बलराम हो कृष्ण जी के बड़े भाई जो दिखा रहे हैं ये भी बिल्डिंग्स मतलब इन सबको बता रहे हैं कृष्ण जी और बलराम के वृंदावन आ गया है ओके वन ऑफ हिज हैंड ये हो गया ऑल द ह्यूमन फिगर्स हैव वॉर्न स्ट्रिप्ड क्लॉथ्स डाउन द लाइंस एंड देयर हेड्स have also been covered with multicolored caps जितने भी ह्यूमन फिगर्स हैं हाफ नेक्ड हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर की उन्होंने धोती या कुछ भी है पहना हुआ है ठीक है और सबके जो हेड हैं वो कवर्ड हैं उन्होंने ये
इसको क्या बोलना चाहिए, पगड़ी वगड़ी पहनी हुई है जितनी फिगर्स हैं ये। ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर देयर इज बर्ड सिटिंग ऑन ए कट स्ट्रीम ऑफ हैवी ट्री, ऑन द अदर स्ट्रीम हैज बीन शोन ए सिटिंग बर्ड, इन द राइट साइड ऑफ द पेंटिंग इज ए ट्री ऑन विच हैव बीन शोन कॉइल राउंड क्रेपर्स, इन द बैकग्राउंड द स्काई हैज बीन शोन सराउंडेड विथ क्लाउड्स, थ्रू द क्लाउड्स द गोल्डन बिल्डिंग्स ऑफ वृंदावन पिपिंग आउट, द ग्राउंड ऑफ द अदर साइड ऑफ द रिवर हैज बीन शोन फिल्ड विद ग्रीनरी। ओके, देखिए लेफ्ट साइड में जो है एक ट्री पर टू वर्ड्स बैठे हैं, यहाँ एक दूसरा ट्री शो हुआ है पूरा ग्रीनरी, और क्लाउड्स के अंदर से ये झांकती हुई बिल्डिंग्स यहाँ दिखाई गई हैं। जो बैकग्राउंड है उसमें मोस्टली ग्रीनरी है और रिवर है इस पेंटिंग में। तो जब भी आप कोई पेंटिंग प्रिपेयर करें एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो आप उसको इस तरीके से रटें नहीं, पहले पेंटिंग्स देखें, उसको समझें क्या पिक्चर है। जैसे कोई भी मूवी आपके माइंड में सेट हो जाती है, ऐसे ये पेंटिंग की पिक्चर पूरा सेट कर लीजिए और अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए बेटा। ओके, आपके मैंने नोट सेंड किए थे एज ए PDF लास्ट क्लास में, आप उसमें देखेंगे। ये आपका मैं करा चुकी हूँ, आप लिख लीजिएगा, डिस्क्राइब द सब स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। ये दोनों ही मैंने कराए हैं, नोट्स भेजे थे आपको, आप कॉपी कर लीजिएगा। इसके आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं, आई होप आप खुद करेंगे इसको अपनी कॉपी में नोट, शॉर्ट नोट इन पर लिखेंगे। बसौली, कांगड़ा, चंबा और गुलेर ये भी मैं करा चुकी हूँ आपको, नोट्स मैंने आपको प्रिपेयर करके दिए हैं, और ये आप खुद करेंगे। जितना भी ये वर्क है आपका कॉपी में होना चाहिए, यहाँ तक पहाड़ी स्कूल तक। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, द मुगल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग 16th century AD to 19th century AD। ओके, फर्स्ट यूनिट सब स्टूडेंट्स की कंप्लीट होनी चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।